हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन महत्वपूर्ण दिवस के बारे में कि कौन कौन से दिवस हैं और कब मनाए जाते हैं। दोस्तों, सभी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अपन आज साल भर में जितने भी दिवस आते हैं, सारे के सारे जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। और दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के हैं सारे के सारे जो आज के दिवस है अपने पास, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। दोस्तों, अपन बात करेंगे कि मार्च में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, मार्च में 15 मार्च को 21 मार्च को 21 मार्च को और 30 मार्च को चार इंपोर्टेंट दिवस है जो मनाए जाते हैं। अपन बात करें 15 मार्च की, तो दोस्तों 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सभी परीक्षाओं में कि 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है विश्व उपभोक्ता दिवस। बात करते हैं 21 मार्च की, तो दोस्तों 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, और दोस्तों 21 मार्च को विश्व सूचना प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, दोनों के दोनों दिवस 21 मार्च को मनाए जाते हैं। आप अच्छे से याद रखें कि 21 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो विश्व वन दिवस और विश्व सूचना प्रौद्योगिकी दिवस। अगला दिवस है दोस्तों अपने पास 30 मार्च। दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस या फिर राजस्थान स्थापना दिवस। दोस्तों राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च को, इसीलिए दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो दोस्तों, जो सारे के सारे दिवस अभी अपन ने पढ़े हैं मार्च में मनाए जाते हैं, तो दोस्तों आप मार्च के चार दिवस याद रखें अच्छे से, 15, 21, 21 और 30। चार ही दिवस है जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपन अप्रैल में कि अप्रैल में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला दिवस है दोस्तों 7 अप्रैल। दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। बात करें 11 अप्रैल की, तो दोस्तों 11 अप्रैल को विश्व मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस है दोस्तों अपने पास 21 अप्रैल। दोस्तों 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, दोस्तों 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 21 अप्रैल को राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों इन दोनों को अच्छे से याद रखें कि 21 अप्रैल को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, सिविल सेवा दिवस और राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस। अगला है दोस्तों 24 अप्रैल। दोस्तों 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। अगला दिवस आता है दोस्तों अप्रैल में 25 अप्रैल। दोस्तों 25 अप्रैल को राष्ट्रीय स्विच दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मई में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। दोस्तों अभी इससे पहले अपन ने देखा है मार्च और अप्रैल में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो दोस्तों मई में चार मेन इंपोर्टेंट दिवस है जो मनाए जाते हैं, और इनमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला दिवस है अपने पास 8 मई। दोस्तों 8 मई को विश्व रेडक्रॉस, विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस है अपने पास 11 मई। 11 मई को सूरदास जयंती मनाई जाती है, सूरदास जयंती। अगला दिवस मनाया जाता है दोस्तों मई में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। 12 मई को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, और 29 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो दोस्तों मई में चार दिवस मनाए जाते हैं, इन चारों को अच्छे से याद रखें। विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 मई,
सूरदास जयंती मनाई जाती है 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई को और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 29 मई को। अब बात करेंगे दोस्तों जून में कि जून में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है जो मनाए जाते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जून में दो दिवस है जो महत्वपूर्ण है जो मनाए जाते हैं। 5 जून, दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला दिवस आता है दोस्तों जून में 21 जून। दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो दोस्तों जून में दो मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस है जो मनाए जाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अब बात करेंगे दोस्तों जुलाई में मनाए जाने वाले इंपोर्टेंट दिवस की कि जुलाई में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो दोस्तों जुलाई में दो मोस्ट इंपोर्टेंट डे है जिनको मनाया जाता है। पहला है दोस्तों 11 जुलाई। दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला है दोस्तों 16 जुलाई। दोस्तों 16 जुलाई को मनाया जाता है आईसीएआर स्थापना दिवस। आईसीएआर का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। अब बात करते हैं दोस्तों कि सितंबर में कौन कौन से दिवस है महत्वपूर्ण जो मनाए जाते हैं। पहला है दोस्तों 5 सितंबर। दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। अगला दिवस मनाया जाता है दोस्तों सितंबर में 16 सितंबर को। दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। दोस्तों ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बने होती है आपके ओजोन परत। और बात करें 27 सितंबर की, 27 सितंबर को, तो दोस्तों 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटक दिवस। तो दोस्तों सितंबर में 3 दिवस मनाए जाते हैं, शिक्षक दिवस, ओजोन दिवस और विश्व पर्यटक दिवस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। बात करें दोस्तों अक्टूबर में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो दोस्तों अक्टूबर में दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्त दिवस। तो दोस्तों 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्त दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर में अगला दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। दोस्तों 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस। अगला दिवस आता है दोस्तों अक्टूबर में 13 अक्टूबर। दोस्तों 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है दोस्तों 13 अक्टूबर को। अगला दिवस आता है दोस्तों अक्टूबर में 15 अक्टूबर को। दोस्तों 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, विद्यार्थी दिवस। दोस्तों 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम जो थे उनका जन्मदिन हुआ था, उन्हीं के उपलक्ष में दोस्तों इसको मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था दोस्तों 15 अक्टूबर 1931 को। और दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई है 27 जुलाई 2015 में, इन्हीं के उपलक्ष में दोस्तों विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अगला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 अक्टूबर को। दोस्तों 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। अगला दिवस मनाया जाता है दोस्तों अक्टूबर में 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को। दोस्तों 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। दोस्तों 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अगला है 29 अक्टूबर। दोस्तों 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस आता है दोस्तों 31 अक्टूबर। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। दोस्तों इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, इन्हीं की जन्म दिवस पर दोस्तों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि नवंबर में कौन कौन से दिवस है जो मनाए जाते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नवंबर में 2 दिवस मनाए जाते हैं, 14 नवंबर और 19 नवंबर। दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस।
चिल्ड्रंस डे। अगला दिवस है दोस्तों नवंबर में 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों नवंबर में बाल दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। अब बात करेंगे दोस्तों कि दिसंबर में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो दोस्तों दिसंबर में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट डे हैं जिनको मनाया जाता है, जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्रीकल्चर वालों के लिए। जो भी एग्रीकल्चर में सुपरवाइजर या जेट की तैयारी कर रहा है वो इनको अच्छे से देखें। बात करते हैं दोस्तों 3 दिसंबर। तो दोस्तों 3 दिसंबर को मनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस। अगला दिवस आता है दोस्तों 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस। अगला है दोस्तों 5 दिसंबर। दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। अगला है दोस्तों 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को दोस्तों ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला दिवस है दोस्तों 23 दिसंबर। दोस्तों 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस। तो दोस्तों दिसंबर में 5 दिवस है जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इन 5ों को अच्छे से याद रखें। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे दिवस याद हो गए होंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आने वाले दिनों में कौन कौन से दिवस मनाए जाएंगे। तो नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय जवान जय किसान। थैंक यू फ्रेंड्स।